नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सोमवार को आलमबाग कोतवाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दूर दराज से आए लोगों ने बाल गोपाल कान्हा के दर्शन किए और भजन संध्या का आनंद भी लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जहां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, वहीं आलमबाग कोतवाली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव नई थीम के साथ कुछ खास रहा। आलमबाग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ खास अंदाज में मनाई गई, जो क्षेत्र की जनता के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोतवाली के बंदी गृह में हुआ, जहां बाल गोपाल का पूजन कर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन वासुदेव के रूप में बाल गोपाल को सर पर लिए बंदी गृह से बाहर निकले तो दर्शन के लिए बाहर बड़ी संख्या में खड़े भक्तों के जयकारे से पूरा कोतवाली गूंज उठा। कान्हा की एक झलक देखने के लिए भक्तों की भीड़ टूट पड़ी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन द्वारा बाल रूप कान्हा को कोतवाली प्रांगण स्थित राधा कृष्ण के मंदिर में लाया गया, जहां बाल गोपाल को पालने में विराजमान कर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद बाहर खड़े भक्तों ने कान्हा के दर्शन किए और उन्हें झूला झुलाया। मौके पर यह दृश्य जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर लोगों ने आरती ली और प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोतवाली में झांकियों के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसका क्षेत्रवासियों ने भरपूर आनंद लिया। वहीं कोतवाली गेट की तरफ हर वर्ष की भांति मेला भी लगा था, जहां बच्चों ने तरह तरह के झूलों का आनंद लिया। वहीं छोटे बड़े सभी लोगों ने खाने पीने के स्टॉलों पर तरह तरह के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े जोरों शोरों के साथ मना रहा है। बड़े धूमधाम के साथ आज तैयारियां की गई थी। इसी क्रम में आज 12 बजे आलमबाग थाने के कारागार में कान्हा का जन्म हुआ है और कान्हा आज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग कान्हा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हर वर्ष की भांति यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा। आप देख सकते हैं पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कान्हा रूपी कान्हा के रूप में लेकर आए हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, थाने में बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम तो यहाँ हरदोई जिले से थे, पर अब यहाँ पे जब आए हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, कि थाने में भी कि जन्माष्टमी इतनी जोरों शोरों से और भक्त जन बहुत बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं इस चीज़ में। जी मैम, आप कहाँ से हैं? मैं सर, मैं भी हरदोई से हूँ और बस यही कि भगवान की जितनी भी भक्ति करो उतनी ही कम है, और इतना आनंद आया है ये प्रोग्राम देख के कि दिल एकदम खुश हो गया। बस इसी क्रम में जय राधे राधे, इसी क्रम में और लोग भी हैं। राधे राधे, कैसा लगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से जी। नेपाल में मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? ये तो हर जगह ही मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उनको। जी आप भी नेपाल से हैं? हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि पहली बार लखनऊ में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि आरती लेने के लोगों की भीड़ लगी हुई है। पंडित जी यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर क्या क्या किया गया? आप तो पसीने से तरबदर हैं, कान्हा जी का जन्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ये जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो तैयारी चल रही थी, यहाँ पे आपने पूछा भी जैसे कि ये तैयारी के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो यहाँ जो तैयारी चल रही थी ये तो महीनों से चल रही थी। देखा जाए तो आलमबाग थाने की जन्माष्टमी ऐतिहासिक होती है, बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। जी जी जी, ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, जब से ये मंदिर बना हुआ है तब से यहाँ पे जन्माष्टमी का ये उत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के कर्मचारीगण, यहाँ के थाना प्रभारीगण, इन लोगों के सहयोग से, बाकी कॉलोनी वालों के सहयोग से, सबके सहयोग से ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। हर महादेव, जैसे कहा जाता है कान्हा जी का जन्म जेल में हुआ था और आज देखा गया स्पष्ट रूप से
कि थाने के कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और आप लोग उनको मंदिर में विराजमान किए हैं। जी हाँ, उनकी झांकी को हम लोगों ने वही चीज दर्शाने के लिए बंदीगृह में उनको प्रकट किया है और मंदिर में विराजित किया है। आप देख रहे हैं कि बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लोग आरती लेने के लिए आतुर हैं, कतार में खड़े होकर आरती ले रहे हैं और सामने मंदिर है, मंदिर में कान्हा जी का दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कृष्णानंद शास्त्री जी हैं और जिनकी देखरेख में और जिनके द्वारा मंत्रोच्चार के बाद पूजा अर्चना आज संपन्न हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, बड़े धूमधाम के साथ आज उत्सव मनाया गया। शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। इसके उपरांत मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के तौर पर मनाते हैं, जिन भी लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके पास आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, उन लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी जरूर से मनानी चाहिए। हर एक हिंदू घर में, हर वैदिक सनातन घर में एक लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा होनी चाहिए, जिसके द्वारा उनके बच्चे का लालन पोषण होता है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का लालन पोषण करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, उसी प्रकार आपको भाव लड्डू गोपाल के लिए भी रखना चाहिए। लड्डू ऐसे तो हर थाने में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन आलमबाग थाना ये जो लखनऊ में है, इसमें बहुत विगत रूप से और बहुत कई वर्षों से यहीं यहाँ पर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा, कम से कम यहाँ पे 7 से 8 हज़ार लोग अभी मध्य रात्रि उपस्थित थे। अभी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है, इसी के बाद वो अपने घर को पुनः जा रहे हैं। अभी आपने बगल में देखा कि भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया था, इसी के साथ श्री गोपाल अष्टोत्तर सतनामक का पाठ, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसी के साथ पुरुष सूक्त के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है। मैं कृष्णानंद शास्त्री, मैं उत्तराधिकारी हूँ वृंदावन ज्योतिष संस्थान अयोध्या में, वहाँ से मेरे को इस कार्य के लिए जरूरी से बुलाया गया है और हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ और जन्मोत्सव इसी तरह भव्य रूप से मनाता हूँ। विगत वर्षों में तो पहले कोरोना काल में ठीक से नहीं लग पा रहा था, लेकिन अभी जब से कोरोना समाप्त हुआ है उसके पश्चात ये लगातार हम लोग अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं और आने वाले समय भी इससे अच्छा कार्यक्रम करवाएंगे। इस बार कुछ नया देखने को मिला है, जैसे कि पहले मंदिर में श्री भगवान जी का जन्म होता था, पूजा अर्चना होती थी और लोग कान्हा को झूला झूलाते थे, प्रसाद लेते थे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते थे, किंतु आज देखा गया है कि थाने के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और वहाँ से यहाँ मंदिर में स्थापित किया गया। जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका निर्णय मैंने ही लिया था, मैंने और इंस्पेक्टर साहब श्री शिवशंकर महादेवन जी ने लिया था। हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि इस बार कुछ नया करना चाहिए, तब फिर मेरे दिमाग में आया कि कारागृह में भगवान का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से कारागृह में ही भगवान का जन्म करवाया जाए। इसी के साथ कारागृह में जन्म के बाद जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक थे शिवशंकर महादेवन जी, उन्हीं के सर पर उनको वासुदेव बनाया जाए एवं उन्हीं के सर पर रख करके कारागृह से भगवान को मंदिर तक लाया जाए। मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन के बाद उनको भक्तों के द्वारा झूला झुलाया जाए। इस क्रम में ये पुराना वैदिक काल का जो नियम था वो आज पूर्ण हुआ है यहाँ पे, बस उसमें कुछ नया नहीं किया है, बस ये है कि इसको एक नए ढंग से हम लोगों ने मनाने का एक नया नियम रखा है। फिलहाल भक्तों से, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? भक्तों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाइए एवं भगवान एकदम से लड्डू गोपाल भगवान को अपने घर में स्थान दीजिए। बस श्री भगवान से हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे कि पूरे विश्व में शांति रहे, सद्भावना रहे और धर्म की जो है कि स्थापना हो, पुनः स्थापना हो, इसी कामना के साथ हम सबको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। निश्चित रूप से अयोध्या धाम से जब शास्त्री जी यहाँ पधारे हो, पूजा अर्चना श्री कृष्ण भगवान की करें, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह आयोजन बड़ा भव्य होगा, एक कार्यक्रम में दिव्यता देखी जाएगी और आपके दिशा निर्देश के अनुसार आज अलग तरीके से, एक अलौकिक ढंग से श्री कृष्ण जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया है। थाने के कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ पर आलमबाग थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर महादेवन जी आज वासुदेव का रूप धारण किए और अपने सर पर श्री कृष्ण भगवान को लेकर यहाँ बाल रूपी श्री कृष्ण भगवान को लेकर यहाँ मंदिर प्रांगण में आए और मंदिर में उनकी स्थापना की। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भक्तों द्वारा लगातार श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया जा रहा है, पालने में
गोपाल बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जा रहा है। लोग भाव विभोर हो जा रहे हैं इस पल को देखने के बाद, इस क्षण को महसूस करने के बाद। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।